नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। यूपी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के तेज तर्रार विधायक डॉक्टर संग्राम यादव विधानसभा सत्र में अतरौलिया सहित पूरे देश के किसानों की आवाज बनकर किसानों का मुद्दा उठाते हुए जमकर सरकार पर गरजे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील से होकर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। अतरौलिया विधानसभा के गदनपुर गांव के पास एक्सप्रेसवे के निर्माण के नाम पर किसानों की खड़ी फसलों का रौद डाला गया है। किसान जब मौके पर पहुंचे तो उन पर बेरहमी से पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। विधायक ने कहा कि फसलों को रौदने की किसानों पर हुई लाठीचार्ज की जांच कराई जाए ताकि दोषी अधिकारियों को दंडित कर किसानों को न्याय दिलाया जा सके। विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कोरोना काल में गंभीर बीमारियों से लोगों की मौत और सरकार की विफलता का भी मुद्दा उठाया है। तो ये खबर आपको टीवी 20 न्यूज पर दिखा रहे हैं, जो विधानसभा में विधायक संग्राम यादव गरजे हैं और अतरौलिया सहित पूरे देश के किसानों का मुद्दा उठाया है। आप भी किसान परिवार से, मानवर एक भी पैसा गन्ना किसान का बढ़ाया नहीं गया और कहते हैं खाद महंगी, बिजली महंगी, डीजल महंगा, डाई महंगी, यूरिया महंगी और ना जाने कौन सा फार्मूला आपके पास है। इतनी महंगाई के बाद मानवर कहते हैं कि मैं किसान की आय को दुगनी कर दूंगा। कहां से किसान का आय दुगनी होगी? जब इस तरह से भाव हो गए, तभी डॉक्टर लोहिया ने कहा था, करखनिया दामों की कीमत आने खर्च से डेढ़ा हो, अन्न के दाम की घटती बढ़ती आने शेर के भीतर हो, जो जमीन की जोते हैं वो जमीन का मालिक है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर। मानवर एक मिनट, बहुत मानवर एक मिनट, मानवर एक मिनट, मानवर इतना बढ़िया समापन तो हो नहीं सकता था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की मानवर, मैं क्षेत्र की बात, मानवर एक मिनट हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मानवर अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल से लगा संसदीय राज्य मंत्री जी बैठे, वो भी बलिया से है, ऊर्जा मंत्री जी भी है। जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है वो हमारे क्षेत्र से होकर निकलता है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो भी हमारे क्षेत्र से सटा हुआ है। मानवर भी पूर्वांचल गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पे सबसे छोटी जोत का किसान बुढ़नपुर तहसील का है। हम सबने धरना दिया, हमने कहा कि किसान को ज्यादा मुआवजा दिया जाए, हमारे धरने को भी नहीं देखा गया। और जब किसान अपने खेतों में फसल बो दिया, गेहूं की फसल लगभग तैयार, सरसों की फसल तैयार, दो दिन तीन दिन पहले इनके अधिकारी आते हैं, बहुत बहुत और किसानों से कहते हैं, मानवर मानवर एक मिनट, किसानों से कहते हैं आप अपना खेत खाली कर दें। मानवर किसानों के खेतों पर जेसीबी चला करके और जो किसान अपनी फसल को रोक रहा था गगनपुर तिराहे पर दौड़ा दौड़ा करके किसानों को मारा गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। इस तरह से अगर किसान अपनी बात कर रहा था तो पुलिस ने जो तांडव किया है, आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनकी सबका निंदा करते हैं और मानवर आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो पुलिस ने तांडव किया है उसकी आज जांच कराने और जांच में जो दोषी पाया जाता है मानवर उसके खिलाफ आपकी बात कार्रवाई करने का काम करें। मानवर आपने ऐसे अहम सवाल पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मानवर आप गदनपुर तिराहे पर जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, जो उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, आप उसको संज्ञान में ला करके आप मानवर निश्चित कोई जांच बैठा करके जो दोषी पुलिसकर्मी है, जो अधिकारी है, धन्यवाद, जो उसमें लगे लोग हैं उनको आप दंडित कराने का काम करेंगे। सौरभ जी आप शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभाषण